नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। इंसान का बुरा वक्त क्यों आता है? इंसान पर अगर बुरा वक्त इंसान पर ना आए तो वो कैसे भगवान और खुदा पर यकीन करेगा? इंसान का जब भी बुरा वक्त आता है तो वो मंदिर, मस्जिद, दरगाह, चर्च, गुरुद्वारा, ज्योतिषों और आमिलों की ओर भागता है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि मेरा बुरा वक्त, मेरा खराब वक्त चल रहा है? क्या किसी ने मुझ पर काला जादू कर दिया है? क्या मेरे कर्मों का फल है? ये जानने के लिए वो दौड़ता रहता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी आपका बुरा वक्त आ गया, तो समझ जाओ यह खुदा का इम्तिहान है, परीक्षा है जो आपकी ले रहा है। मेरे गुरु कहा करते थे कि अगर इंसान के ऊपर एक साल तक कोई मुसीबत, कोई बीमारी या कोई परेशानी या बुरा वक्त नहीं आए तो समझ जाओ कि आपका खुदा आपसे रूठ गया है, नाराज़ हो गया है, क्योंकि इंसान उसे हमेशा बुरे वक्त में ही याद करता है। अच्छे वक्त में जब आपका काम चलता है, आप इतने मशगूल और मसरूफ़ हो जाते हैं कि आपको उसको याद करने का वक्त ही नहीं मिलता, इसीलिए वो समय समय पर अपने होने का वजूद आपको देते रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंसान का बुरा वक्त, इंसान जो गलत फैसले कर बैठता है, गलत आदत और गलत संगत में पड़ बैठता है, गलत रास्ता इख्तियार कर लेता है, उसी से उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो वो हमें बहुत कुछ सिखा कर चला भी जाता है, वो अपनों और गैरों की पहचान करा कर चला जाता है। बुरा वक्त खुदा की तरफ से आता है, वो इंसान को कहता है कि देख तेरा कौन अपना है और कौन पराया। कहते हैं कि होंठ भी अपने होते हैं और दांत भी अपने होते हैं। आज गैरों को इतना वक्त ही कहा है कि वो आपके घर में झांक कर देखे या आपके ऊपर जले, जलते तो आपके अपने ही हैं। जब इंसान पर बुरा वक्त चलने लगता है तो लोगों के चेहरे पे से नकाब अपने आप उतरने लगते हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार के हो या आपके दोस्तों के, मुसीबत में कभी काम नहीं आएंगे। लेकिन जब आपका अच्छा वक्त चलता है तो वही नकाब आपके चेहरे पर चढ़ भी जाता है जो कभी आपके दोस्तों और रिश्तेदारों के चेहरे पर हुआ करता था। इसीलिए इंसान को किसी न किसी की बुरे वक्त में मदद करती रहनी चाहिए, अपना बुरा वक्त कभी भूलना नहीं चाहिए, जकात सदका दान करते रहना चाहिए ताकि आपकी आने वाली मुसीबतें और बुरा वक्त टल जाए। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ऐसे ही रहस्यमय अमलियात, टोने टोट के वजीफे, साधनाएं, विधि विधान मैं आप लोगों को आगे चल के अपने वीडियो के माध्यम से बताते रहूंगा। मेरी किताब जीवन यात्रा एक रहस्यमय खोज को खरीदना न भूले। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।